आप देख रहे आप देख रहे हैं हैं देश की देश सबसे की सबसे अग्रणी अग्रणी चैनल चैनल एटीएच न्यूज इलेवन। न्यूज इलेवन आप सब पर आप है सब पर है नजर हमारी। नजर हमारी। आज कांडी प्रखंड के सभागार में झारखंड सरकार के निर्देशानुसार वृद्धा पेंशन एवं विकलांग पेंशन बनाया जा रहा है। आइए देखें इसकी पूरी रिपोर्ट। जितना जमा है सभी जमा है, चाहे वो स्वीकृत हो या ना स्वीकृत हो, ये पहली बात आप लोग समझ लीजिए। मेरे आने के बाद उतना दिन, ये सही बात है कि नहीं? नहीं, तो दम है इसमें, तो दम है कि फॉर्म जमा है। इतना दिन तक पता पहले होता था ब्लॉक में फॉर्म जमा है जमा है जमा होता है, 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार जमा होता था, लेकिन फॉर्म खोजिए तो नहीं मिलता था। आज हम इतना मेहनत करके उतना दिन से आप लोग को पहली बार भी बोले थे कि फॉर्म जमा कीजिए, वो फॉर्म का जिम्मा मैं रखता हूँ। कहे थे ना हम, एक एक फॉर्म का जिम्मा मैं रखता हूँ, टारगेट जैसे ही आएगा हम उसी हिसाब से सेंक्शन करेंगे। जैसे जैसे टारगेट आ रहा है, विधवा का टारगेट अभी नहीं है। आज बेसिकली ये वृद्धा पेंशन का कैंप है। ये तो बोले कि तीनों है, विकलांग विधवा भी सब है, ये बोले आपके पंचायत सचिव तीनों है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग जमा दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं, नहीं जमा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज बेसिकली ये वृद्धा पेंशन का है। जो वृद्धा पेंशन का हम लोग को टारगेट आया है, तो विधवा का तो सब टारगेट है, एनी टाइम ब्लॉक में रहता है 2-4 बस ठोकरने के लिए। नहीं अभी बंद है, पिछले साल से मान आज हमें 3 साल हो गया। 2018 में हमारे पिताजी डेट किए थे, हम तब से फॉर्म जमा कर रहे। प्रदीप कुमार SDO थे तब भी दिए थे, समदानी साहब थे तब भी दिए थे, वो आप भी आए थे पिछले वर्ष चलता दरबार लगाए थे तब भी दिए थे। हम बताइए कि खाली एक सोनू का बात नहीं है, इतना लोग है, अगर सब लोग खाली फॉर्मे जमा करते रहे तो होगा कब? और होगा उसी का जो पैसा देगा, चाहे आपको दे आपके ऑपरेटर को दे, बिना पैसा के तो श्रीमान हो नहीं रहा। 137 का नहीं हुआ और 701 का कैसे हो गया स्वीकृति, हमें इसका जवाब आप दीजिए। उसका अलग बात है, लेकिन जो है जो सूची में है, इस बार जैसे भी होगा ये टारगेट हम लोग को आएगा तो हो जाएगा। हम लोग विधवा पेंशन लिखित दे दीजिए, लीजिए लिखित, हमसे क्या है, हम तो लिखित टारगेट आया तो हम देंगे।